तरीके से मैंने पीसेस कट किए हैं। सबसे पहले तो हमें एक बड़ा रेक्टेंगल पीस चाहिए जिससे हमारी तीन साइड्स बन जाएंगी इसकी। तो ये एक रेक्टेंगल पीस मैंने कट किया है, इससे हमारी तीन साइड बनेंगी, वन साइड, टू साइड और बैक। तो दोनों साइड्स और पीछे वाला पोर्शन जो हमारा ऐसे पोर्शन है वो हमारा एक सिंगल पीस से बन जाएगा। तो एक सिंगल पीस मैंने लिया है, इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। 33.5 इंच इसकी विड्थ है और इसकी लंबाई जितना लंबा हमने लिया है 25 इंच। तो ये हमारा तीनों साइड के लिए हो गया। और हमें चार पॉकेट्स बनानी है, तो चार पॉकेट्स बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने फोर पीसेस लिए हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों के मेजरमेंट सेम है, बता देती हूँ मैं आपको कितना लिया है। लंबाई मैंने ली है 21 इंच और इसकी विड्थ मैंने ली है 8.5 इंच। तो ये फोर पीसेज हमने पॉकेट्स के लिए लिए हैं और टू पीसेज हमने हैंडल के लिए लिए हैं, एक छोटा पीस और एक बड़ा पीस। इसकी विड्थ दोनों की सेम है, इन दोनों की विड्थ है 6 इंच और ये जो छोटे वाला पीस है इसकी लंबाई है 4 इंच और ये जो लंबे वाला हैंडल वाला पीस है इसकी लंबाई है 10 इंच। बस हमें यही पीसेस चाहिए, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पॉकेट को साइडों से फिनिश कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ से एक तरफ से हम इसे सिलाई लगा के फिनिश कर लेंगे। तो 1.5 इंच पे हमें इसे फिनिश कर देना है। तो वन फोल्ड और दूसरा फोल्ड हमें इस निशान पे करना है 1.5 इंच पे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। इसी तरीके से ये सारे पीसेस एक तरफ इस तरीके से फिनिश कर दिया। तो एक तरफ से इस तरीके से फिनिश हो गए चारों के चारों। अब हमें क्या करना है, जो हमने हैंडल के लिए टू पीसेस लिए थे पहले हम इसे फिनिश करते हैं। तो ये छोटे वाला पीस लिया, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। सेम इस पे भी, बड़े वाले पे भी इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, इसे सीधा कर लीजिए। अब इस तरीके से वेलक्रो लेनी है, वेलक्रो का एक पीस इस पे सिलाई लगा लीजिए और वेलक्रो का एक पीस इस पे, वेलक्रो लगा दी इस पे भी और इस पे भी। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक पीस ले लीजिए, ये क्योंकि चारों सेम साइज के हैं तो कोई भी एक ले लीजिए। यहाँ से आपको निशान लगाना है 12 इंच पे मैंने निशान लगाया और यहाँ से आपको दूसरा निशान लगाना है 2.5 इंच पे। तो ये दो निशान लगा लिए। अब ये वाली स्ट्रिप लेनी है आपको, इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और इस निशान के ऊपर रखना है बीच में सेंटर में। इस पे सिलाई लगा लीजिए चारों तरफ, एक स्ट्रिप इस तरफ और ये दूसरे वाली स्ट्रिप को इस निशान के ऊपर रखना है ऐसे। इस पे भी चारों तरफ सिलाई लगा ली, एक इस तरफ लगा लिया एक इस तरफ। तो यहां से इस तरीके से वेलक्रो हमारी इसके साथ लगेगी और ये हमारा इस तरीके से ऊपर टॉप वाला हैंडल बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से यहां से हमें निशान लगाना है, ये जो ओपन वाली तरफ है, एक तरफ से हमने स्टिच किया उस तरफ से नहीं दूसरी तरफ से, 1.5 इंच पे हमें निशान लगाना है, 1.5 इंच पे निशान लगाया। अब ये जो हमने स्टिच किया था इसे इस निशान के ऊपर रखना है इस तरीके से, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए और यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए। तो 1, सेम इसी तरीके से हर एक पीस पे आपको सिलाई लगानी है। अब ये वाला लिया, इस पे भी 1.5 इंच इसे यहां पे रखिए, इसके साथ मिलाइए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 2 लगा ली, यहां से यहां तक। तो 1, 2, 3 और 4 चारों पॉकेट्स हमारी रेडी हो गई, सेंटर वाले चारों पीसेज हमारे रेडी हो गए जो हमारे बीच में पार्टीशन बनना है, 1, 2, 3, 4 और एक पे हमने इस तरीके से हैंडल भी लगा लिए। तो ये चारों पीसेज रेडी हो गए, बस ये चारों पीसेज रेडी हो गए। अब हम इसे, ये जो हमारा मेन रेक्टेंगल पीस था इसके साथ हम इसे ज्वाइन करें। तो ऐसे हमारी चौड़ाई थी, ऐसे हमारी लंबाई थी। तो साइडों से हमें कितना लेना है, 2 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पे, यहाँ से 2 इंच और इसे हमें 2 इंच पे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस निशान पे मैंने इसे फोल्ड किया और यहाँ से फोल्ड करते हुए
यहाँ पे पूरा लंबाई में सिलाई लगा लीजिए इस तरफ भी, और सेम उसी तरीके से यहाँ पे इस तरफ भी, यहाँ से ये देखिए इस तरफ भी मैंने साइड पे सिलाई लगा दी और उस तरफ भी, तो दोनों तरफ से मैंने इसे फिनिश कर दिया है। अब यहाँ से हम इस पे लंबाई पे यहाँ जो हमने पॉकेट लगानी है उसके निशान लगा लेते हैं। वन इंच पे फर्स्ट निशान लगाना है, इस निशान को पूरा लंबाई में आगे तक आपको मिला लेना है। पहला निशान 1 इंच, उसके बाद आपको लेना है 7 इंच, 7 इंच पे निशान लगाया, इस निशान को भी पूरा लंबाई में सीधा मिला लेना है। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर आपको निशान लगाना है 1 इंच पे, इसी निशान से आगे 1 इंच, 1 इंच, फिर 7 इंच, फिर 1 इंच, फिर हमें आगे लेना है 7 इंच, सेवन इंच पे निशान लगाया, फिर आगे इस पे 1 इंच पे निशान लगाना है, फिर आगे हमें 7 इंच और लास्ट में हमारा 1 इंच बच जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने इस पे निशान लगा दिया, 1 इंच, फिर 7 इंच, फिर 1 इंच, फिर 7 इंच, 1 इंच, 7 इंच और लास्ट में हमारे पास 1 इंच बच गया। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 25 इंच। अब आपको क्या करना है, जो निशान लगाए हैं इसे लंबाई में पूरा दूसरी तरफ तक मिला लीजिए। ये मैंने निशान लगा लिए यहाँ से लेके पूरे लंबाई में, फिर 7 इंच पूरा लंबाई में जैसे निशान लगाए थे लंबाई में पूरा उसे मिला लिया। अब हमें इसके साथ पॉकेट ज्वाइन करनी है, तो जिस पे हमने टॉप हैंडल लगाया है वो पॉकेट सबसे ऊपर ज्वाइन होगी, बाकी एक पॉकेट यहाँ, एक पॉकेट इस निशान के बीच में और एक इस निशान के बीच में। ज्वाइन कैसे करनी है देखिए, सिंपल एक पॉकेट ली यहाँ से, ये जो नीचे वाली तरफ है पहले हमें यहाँ से इसे थोड़ी सी शेप देनी है, तो 1/2 इंच/1/2 इंच का आपको इसमें छोटा सा कट लगाना है, 1/2 इंच ऐसे और 1/2 इंच ऐसे, ये देखिए इस तरीके से 1/2/2 इंच का। ये आपको जितनी भी पॉकेट है हर एक पॉकेट के कॉर्नर में कट करना है एक तरफ से, जिस तरफ से हमने ये फोल्ड किया हुआ, इसे मैं कट कर लेती हूँ। सेम यहां से भी 1/2/2 इंच इस तरीके से कट कर लिया, बाकी सभी पॉकेट में भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे ज्वाइन करते हैं, तो ये रखा और ये रखना है हमें इस तरीके से, यहाँ पे जो हमने ये कट किया था इसको इस पे मिलाना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए, ये देखिए ये मैंने फोल्ड किया यहां से लेके इस कट तक, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा, ये देखिए यहां से लेके यहां तक मैंने इस पे सिलाई लगा दी, तो इस तरीके से मेरा फ्लैप जुड़ गया। अब आपको क्या करना है, ये वाले पीस को इस तरफ रखना है और हमें ऐसे ही ज्वाइन करना है, तो ये मैंने पकड़ा और इसे मैंने घुमा के यहाँ पे रख दिया इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में रख दिया। अब यहाँ से इसे जैसे पहले सिलाई लगाई है यहाँ से फोल्ड करना है इस तरीके से, और ये जो हमने कट लगाया है इस कट तक यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, सिलाई लगा ली इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हमारी ये वाली साइड बच गई, ये देखिए इस तरीके से, तो आपको इसे फोल्ड करना है इस तरीके से, इसके ऊपर फोल्ड करते हुए इसे बिछाना है, इसे फोल्ड करना है इस तरीके से, ये हमारा फोल्ड हो गया और इस पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, तो इस तरीके से हमारी ये पॉकेट अटैच हो गया। एक पॉकेट हमें इसी तरीके से जैसे ये अटैच किए यहाँ पे अटैच कर लेंगे, एक इस पीस पे और एक ऊपर की तरफ। तो चलिए हम दूसरी पॉकेट अटैच करते हैं, तो निशान हमने पहले ही लगाया हुआ है था, जो हमने पॉकेट बनाई हुई देखिए साइड से हर एक पॉकेट पे इस तरीके से कट किया हुआ है। अब इसे आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहीं तक आपको सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ निशान लगा लीजिए, यहाँ तक आपकी सिलाई आनी है। तो ये पॉकेट रखी इसके बीच में,
इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। पॉकेट मैंने बीच में ही रखी हुई है, देखिए। तो एक साइड अटैच कर रही हूँ, फिर दूसरी साइड, और फिर हम सेंटर अटैच। यहाँ से यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा दी इस तरीके से। अब ये वाला पीस इस वाले निशान पे रखना है, दूसरे कॉर्नर वाले निशान पे, यहाँ पे बीच में रखा। ये जो हमने निशान लगाया है, इस निशान के बीच में रखा, और यहाँ पे बाहर की तरफ निशान लगा लीजिए, कहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। यहाँ तक मुझे सिलाई लगानी है, ये देखिए, इस कट तक। तो मैंने निशान लगा लिया बाहर की तरफ, बस इसे इसके ऊपर फोल्ड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर भी सिलाई लगा लीजिए। यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली, तो मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, देखिए पकड़ के, ये देखिए, इस तरीके से एक पीस यहाँ जोड़ लिया, एक पीस यहाँ जोड़ लिया, दोनों साइडें जोड़ ली इस तरीके से। अब पीछे वाला, बैक वाला हम सेंटर वाला जोड़ लेंगे, ये वाला जो हमने निशान लगाया, ये ऑलरेडी हमने निशान लगाया हुआ था, बस इस पर भी हम पकड़ के इसे सिलाई। ये मैंने इस तरीके से फ्लैट बिछा दिया, और नीचे वाला इस तरीके से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा, लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा। तो जब आप इसे ऐसे देखेंगे, तो देखिए हमारी दूसरी पॉकेट भी अटैच हो गई, एक पॉकेट, दो पॉकेट। उसी तरीके से ये जो निशान लगाया इस पर तीसरी, और ये जो निशान लगाया इस पर चौथी, चारों पॉकेट्स हमें ज्वाइन कर लिए। ये लिया, ये कॉर्नर लिया, इस तरीके से पॉकेट ली जैसे हमने पहले ली है, पहले लिया था, सेम उसी तरीके से करना है। इसे इसके ऊपर फोल्ड किया, यहाँ पे निशान लगा लीजिए कहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। जो अंदर वाला ये कट है, उस कट पे मैंने निशान लगा लिया, इसे इसके ऊपर रख के इसे फोल्ड करके यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा, से लेके यहाँ तक सिलाई लगा। तो ये भी लग गई मेरी, बाद में हमारी ये लास्ट लगेगी, इस साइड लग गई। अब इसी पीस को उठा के इस तरफ कर लगा लीजिए, इस तरीके से सिंपल, इस वाले निशान के ऊपर रखा है मैंने, और बाहर की तरफ निशान लगा लेते हैं, हमें कितने पे चाहिए। यहाँ तक हमें स्टिच करनी है। अब इस निशान पे इसे फोल्ड कर लिया इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से देखिए, ये वाली पॉकेट भी मेरी अटैच हो गई इस तरीके से, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पॉकेट भी अटैच हो गई, नीचे वाली पहले ही कर ली थी। अब इसके भी हम पीछे वाली तरफ सिलाई लगाते हैं। तो इसे पकड़ना है आपको नॉर्मल, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जो हमने सिलाई लगाए हुए हैं, ये वाला कॉर्नर पकड़ लीजिए, और यहाँ से ये कॉर्नर पकड़ लीजिए, और इसे इस तरीके से करते हुए फ्लैट बिछा दीजिए। ये मैंने इसे फ्लैट बिछा दिया। फ्लैट बिछाने के बाद इस सिलाई से लेके इस सिलाई तक इस पर सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल सिलाई लगा ली। तो जब हम इसे देखेंगे, तो ये देखिए हमारी इस तरीके से जॉइन हो रही है, एक पॉकेट नीचे, एक पॉकेट ये, एक ये। अब हमें सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर का उसे जॉइन करना है, सबसे ऊपर का भी सेम उसी तरीके से जॉइन करना है। तो ये रखना है यहाँ पे, जैसे हमने पहले किया था स्टार्टिंग में, इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरे कॉर्नर पे रखिए इस तरीके से, यहाँ पे रखा, इसे फोल्ड किया इसके ऊपर इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। और फिर जैसे हमने ऊपर वाला पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगाई थी, इसे फोल्ड करके यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, ये देखिए। तो ये मैंने टॉप वाला भी ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारी पॉकेट्स बन गई, एक पॉकेट ये बन गई, टू और थ्री। तो मैंने तीन लगाई, आप ज़्यादा लगाना चाहें तो थोड़ा और लंबा भी ले सकते हैं। तो यहाँ के लिए मैंने एक ही पीस लिया, और बीच में जस्ट पॉकेट को इंसर्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पॉकेट जैसी बनाई थी, इसके अंदर हमें कार्डबोर्ड डालने हैं। तो हर एक में हमारी पॉकेट है, देखिए यहाँ पर हमारी पॉकेट का डालने के लिए है, यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए है, हर एक में हमारा इस तरीके से देखिए कार्डबोर्ड इंसर्ट करने के लिए। तो वन, टू, थ्री और फोर, फोर पॉकेट्स हैं। फोर पॉकेट्स में इस तरीके से हम कार्डबोर्ड को इंसर्ट कर देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो जब भी आपको वॉश करना है, कार्डबोर्ड को निकाल लीजिए और इसे वॉश कर लीजिए। तो इस साइज़ का आपको कार्डबोर्ड लेना है, जो ईजिली आपका पॉकेट में इस तरीके से इंसर्ट हो जाए। ये देखिए, तो मैंने इस साइज़ का कार्डबोर्ड लिया है। वैसे मैं कार्डबोर्ड का साइज़ आपको बता देती हूँ, इस साइज़ के हमें फोर चाहिए।
तो ऐसे चारों पॉकेट्स में डाल लीजिए तो ये हमारा ऑर्गेनाइजर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ, वैसे मैं आपको 9.5 इंच और ऐसे मैंने लिया है 7.5 इंच। तो हर एक के अंदर मैं इस तरीके से कार्डबोर्ड को इंसर्ट करती हूँ। एक में कार्डबोर्ड इंसर्ट कर लिया, 1, 2, 3 और 4, चारों जो पॉकेट जैसी बनाई थी चारों में मेरा कार्डबोर्ड इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से देखिए मेरा ऑर्गेनाइजर बिल्कुल रेडी हो गया। बनाने में बहुत ही आसान, बस ये हमने अलग अलग चार पॉकेट्स ली और एक सर्कुलर पीस लेके उस पर चारों पॉकेट्स को अटैच कर दिया। तो बनाने में बहुत ही आसान है, बिल्कुल देखिए स्टिफनेस भी अच्छी बनती है क्योंकि हमने इसमें कार्डबोर्ड इंसर्ट किया है। जब भी आपको वॉश करना है कार्डबोर्ड को निकाल दीजिए और इसे वॉश कर लीजिए और दोबारा से कार्डबोर्ड डाल दीजिए। तो इस तरीके से